तो भाई लोग यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर हमारा ओपन क्यों नहीं हो रहा है। एंड गाइस यार जैसे ही अभी फ्री फायर भाई अपना ओपन कर रहे होगे तो तुम्हारे सामने मेंटेनेंस ब्रेक करके ऐसा कुछ दिखा रहा होगा। तो गाइस बात करेंगे यार ये मेंटेनेंस कब जाएगा और कब हमारा गेम ओपन हो जाएगा, और भाई लोग बात करेंगे यार कौन से टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा कि तुम डाउनलोड करोगे और तुम्हारा एकदम ओपन हो जाएगा, मतलब एकदम करेक्ट टाइमिंग तुमको बताऊंगा। एंड भाई लोग इसमें बात करेंगे यार जैसे ही अपना डाउनलोड करके ओपन करोगे तो अपडेट कौन कौन सी तुमको देखने के अंदर गेम के मिल जाएगी, मतलब कि यार क्या क्या यहाँ पे तुमको गेम में न्यू देखने को मिलेगा, कौन सी चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो भाई लोग सब चीज के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, और भाई लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इधर अब से तुमको डेली यार जितनी फ्री फायर में आने वाली अपडेट्स है वो मिल जाया करेंगी पहले ही। तो भाई लोग अगर गेम में कौन सी अपडेट आने वाली है इसको अगर तुमको जानना है गेम में पहले ही, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर सब्सक्राइब करते हो तो साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर देना, नहीं तो भाई लोग यार सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो चलो यार आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और मैं तुमको बताता हूँ भाई आज शाम से हमको कौन कौन सी अपडेट अपने गेम में देखने को मिल जाए। तो भाई लोग यार पहली बात तो अगर ये तुम्हारा भी साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेंटेनेंस ब्रेक तुम्हारा दिखा रहा है एंड गेम ओपन नहीं हो रहा है, तो पहले तो ये मत सोचना कि तुम्हारी आईडी हैक हो गई या तो तुम्हारा कोई अकाउंट हैक कर लिया। गाइज यार ये मेंटेनेंस ब्रेक जो कि यार जब गेम अपडेट होता है हमारा तो होता है, तो यार गाइज इस बार OB26 का अपडेट आ रहा है आज, तो इसलिए ये मेंटेनेंस ब्रेक पे गया है गेम। तो ऐसा सबके साथ हुआ गाइस, सबकी आईडी के साथ ऐसा हुआ है, सबको मेंटेनेंस ब्रेक देखने को मिल रहा है। तो भाई लोग अभी बात करते हैं यार ये कब जाएगा, मतलब पूरा मेंटेनेंस कब खत्म होगा। तो भाई लोग देखो यार इसकी जो टाइमिंग है वो भाई अपने इंडियन रीजन पे 9:30 से लेकर 5:30 तक है, यानी कि 9:30 AM से लेकर 9:30 AM सुबह से लेकर भाई अपनी 5:30 PM यानी कि 5:30 शाम तक है। एंड गाइस यार तुमको गेम ओपन होते होते यार यहाँ पे 6 तो बज जाएंगे, ठीक है यहाँ पे 6 PM कंफर्म समझो कि 6 PM कंफर्म तुम्हारा यहाँ पे गेम ओपन हो जाएगा। गाइज ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ पे 5 PM पे गेम ओपन होने लगे किसी बंदे की आईडी पे, बट यार सबके ओपन नहीं होंगे, यहाँ पे 6 PM पे सबके ओपन जाएंगे, और अगर फिर 6 PM पे नहीं होते तो 6:30 PM तक सबके गेम ओपन हो जाएंगे। तो गाइज बात कर लें कैसे ओपन होगा, तो भाई सिंपली तुमको प्ले स्टोर में चले जाना है यहाँ पे आज दोपहर में या तो शाम को चले जाना प्ले स्टोर पे, और वहाँ फ्री फायर सर्च कर लेना, और यार वहाँ पे देखोगे तुमको एक अपडेट देखने को मिलेगा जो कि अपडेट तुमको काफी ज्यादा MB का यहाँ पे को मिल सकता है। आई थिंक गाइस यहां पे 400 या 500 MB का तुमको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सिंपली तुमको वहां पे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट अपने गेम को कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद रेडी रहना है गाइस 5:30 या 6 PM पे तुम्हारा गेम यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग अब बात कर लेते हैं जब हमारा गेम ओपन हो जाएगा तो हमको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब यार जब अपना अपडेट आएगा तो यार अपडेट इसीलिए आ रहा ताकि हमको गेम में कुछ न्यू देखने को मिले। तो यार वो न्यू क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, हमको कौन सी न्यू अपडेट देखने को मिलेंगी। तो भाई लोग अपडेट के बाद सबसे पहले तुमको जो अपनी फ्री फायर में गन्स होती हैं, गन्स की यार यहाँ पावर को कम कर दिया जाएगा और कुछ गन्स की पावर को बढ़ा दिया जाएगा। तो भाई लोग देख लो यार यहाँ पे कुछ गन्स हैं जिनकी पावर को इंक्रीज किया गया है, यहाँ पे ग्रीन और ऊपर का साइन है गाइज, यहाँ पे देखो आपका ये इनकी पावर्स को इंक्रीज किया गया है। एंड गाइज नीचे देखो तो यार जिसपे रेड और एरो नीचे बना हुआ है उसका पावर्स डिक्रीज कर दिया गया यानी घटा दिया गया है। तो भाई लोग बात करें यार यहाँ पे ग्रोजा और अपनी UMP और अपनी भाई M1014 और यहाँ पे M249 जो अपनी मशीन गन है इसकी पावर को बढ़ा दी जाएगी। तो भाई लोग बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे भाई अपनी ग्रोजा की पावर बढ़ा दी जाएगी। तो जितने बंदे यार यहाँ पे लॉन्ग रेंज में ग्रोजा से फाइट लेते होंगे, जिसको ग्रोजा पसंद होगी उसको अब ग्रोजा यूज करने में और मजा आएगा। एंड गाइज बात करें नीचे ठीक तो देखो सबसे पहले बीच पे आती है भाई अपनी वेक्टर की पावर कम की जाएगी। तो गाइज यार काफी दिन से बंदे बोल रहे थे भाई वेक्टर की पावर कम करो, एंड अपडेट के बाद यानी आज शाम को तुमको वेक्टर की पावर कम हुई मिल जाएगी। एंड यार अब वेक्टर थोड़ा कम डैमेज देगी, देखो पावर कम होती है तो क्या करती है, ठीक है। एंड यार जो सबसे मेरे को बेकार इसमें चीज लगा भाई वो लगा भाई अपनी M1887 के साथ। तो गाइज यार जिसके पास M1887 की स्किन नहीं होगी भाई उसके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देख सकते हो भाई यहाँ पे M1887 की यहाँ पे पावर को डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो गाइज यार मेरे को तो लगता है भाई जिसके पास M1887 की स्किन नहीं होगी उसको प्रॉब्लम होगी। तो भाई लोग अभी तुम कमेंट करो और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि क्या ये गरेना वाले सही कर रहे हैं M1887 की पावर कम कर रहे हैं, क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि यार काफी मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ पे M1887 की स्किन नहीं होती। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये सही चीज है कि नहीं, M1887 की पावर घटाना चाहिए कि नहीं कि इंक्रीज करना चाहिए। तो भाई लोग चलो बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी अपडेट हमको देखने को मिल जाएगी शाम को। तो भाई लोग अपडेट के बाद तुमको एक अपने गेम में एकदम न्यू टाइप का अपडेट देखने को मिलेगा, जिसमें गाइज यार तुम अपने मरे हुए फ्रेंड को रिवाइव कर सकते हो। हाँ भाई लोग जैसे यार तुम्हारे टीममेट्स यहाँ पे कोई मर जाता है तो तुम उसको फिर से जिंदा कर सकते हो। तो गाइज पहले ऐसा नहीं था यार, पहले तुम्हारे अगर कोई टीममेट्स मर गए यहाँ पे तो भाई वो मरा का मरा रहेगा, तुमको सिर्फ एक्सपेक्ट करता रहेगा एंड ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बट यार अब क्लासिक में ऐसा सिस्टम ऐड किया जाएगा जिसके थ्रू तुम अपने
मरे हुए फ्रेंड्स को रिवाइव कर सकते हो। तो भाई लोग देख लो स्क्रीन पे, यहाँ पे रिवाइवल करके कुछ आने वाला है। एंड गाइज इसमें 2 मेथड दिखाए गए हैं यार। फर्स्ट मेथड से भी तुम अपने फ्रेंड को रिवाइव कर सकते हो मरे हुए फ्रेंड्स को, एंड गाइज यार सेकंड वाले से भी। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट की। तो गाइज यहाँ पे देखो, जो तुम्हारी वेंडिंग मशीन होती है उसमें तुमको कोई टोकन देखने को मिल जाएगा, उसको कहेंगे भाई रिवाइवल कार्ड। एंड गाइज उसको तुम परचेस कर लोगे, तुम्हें पता होगा भाई अपनी वेंडिंग मशीन अपने गेम में हमको कहीं कहीं मैप में देखने को मिल जाती है। तो भाई उस वेंडिंग मशीन में से तुम यहाँ पे अगर एक्सचेंज कर ले तो भाई अपना रिवाइवल कार्ड। एंड गाइज तुम्हारा कोई फ्रेंड कोई मर जाता है तुम्हारे स्क्वाड में, तो यार इस कार्ड का यूज करके तुम उसको फिर से जिंदा कर सकते हो। तो भाई लोग यार ये वाला जो सिस्टम है तुमको सिर्फ देखने को मिलेगा अभी क्लासिक में, फिलहाल तुमको शायद से रैंक पे देखने को ना मिले। एंड गाइस अगर बात करें यहाँ पे मेथड 2 की, तो गाइस यहाँ पे अगर तुम्हारा यहाँ पे टीममेट मर जाता है तुम इस रिवाइवल पॉइंट के अंदर आकर उसको फिर से रिवाइव कर सकते हो, मतलब उसको फिर से जिंदा कर सकते हो। एंड गाइस वो तुम्हारा फ्रेंड फिर से आ जाएगा। तो भाई लोग अब ऐसा होने वाला कि यार तुम्हारा फ्रेंड्स मर जाए तुमको एक्सपेक्ट करता रहता है एंड यार तुमको बोलता है भाई बार बार कि मेरे को रिवाइव कर दे, तो तुम सिंपली जाकर उसको रिवाइव दोनों मेथड से कर सकते हो। तो भाई लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की, जो कि शाम को तुमको देखने को मिल जाएगी अपने गेम में। उससे पहले भाई लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो और भाई लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर क्या रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी तुमको ओपी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एंड यार फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो भाई लोग यार पहले हमको मैप में अपना ड्रोन देखने को मिल जाता था, जो कि यार हमारे पोजीशन रिवील कर देता था, यानी हमारे अपोनेंट्स को बता देता था, या तो उनकी पोजीशन हमको बता देता था कि भाई हमारे अपोनेंट्स किधर है, हमारे एनिमी गेम के अंदर किधर है। तो गाइस यार अब ऐसा ड्रोन आने वाला है जिसको तुम लेकर घूम सकते हो गेम के अंदर। हाँ भाई लोग यार उस ड्रोन को तुम खुद चाहो जब चाहो यूज कर सकते हो। पहले तो गाइस ऐसा तो यार ड्रोन मैप में कहीं भी आ जाता था, बट यार अब तुम यूज कर सकते हो। गाइस यार ड्रोन बोले तो यार भाई स्कैन यहाँ पे अपनी यूएवी, तो गाइस देख सकते हो जो अपना यूएवी होता है, गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यूएवी लाइट करके यहाँ पे कुछ आने वाला है, ये देखो साइड में। तो भाई लोग यार इसको तुम लेकर गेम में यूज कर सकते हो। गाइस यार ये तुमको कहीं कहीं मैप में देखने को मिल जाएगा, मतलब कहीं भी पड़ा रहेगा तुम उसको उठा लोगे सिंपली एंड जब चाहोगे उसको यूज कर लोगे। गाइस इसको जैसे तुम यूज करोगे तो ये जो यूएवी होगा तुम्हारा सिंपली तुमको स्कैन करके बता देगा कि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे साइड में है कि नहीं, यानी तुम्हारे अगल बगल कहीं तुम्हारे पास कोई एनिमी तुम्हारा है तो तुम उसको सिंपली उसका पोजीशन जान जाओगे। तो भाई लोग यार ये इसका जो रेंज होगा वो जो रियल वाला ड्रोन होता है, मतलब जो रियल वाला यूएवी होता है गेम के अंदर जो मैप में आता है, उससे इसका जो रेंज होगा काफ़ी कम होगा। बट यार ये तुमको अगर तुम्हारे पास कोई एकदम ज़्यादा तुम्हारे करीब में अगर कोई तुम्हारा दुश्मन रहेगा एनिमी रहेगा तो उसका पोजीशन ये रिवील कर। तो भाई लोग यार यहाँ पे अपडेट के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड को भी अपडेट किया जाएगा एंड यार गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड में काफ़ी कुछ तुमको न्यू देखने को मिलेगा, मतलब उधर जाके तुम काफ़ी मजे कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देखो यार ये फेरिस व्हील करके कुछ न्यू ऐड होने वाला, गाइस यहाँ पे देखो ये फेरिस व्हील लिखा है। एंड गाइस इस टाइप का तुमको कुछ न्यू गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि यार तुमको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई लोग अगर तुमको एंजॉय करना है गेम के अंदर जाके मजे लेना तो यार ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके ले सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी बात करें इसमें बैठ सकते हो कि नहीं तो भाई इतना नहीं पता है, ठीक है जैसे गेम आएगा उसके बाद जाकर पता कर लेना ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। तो भाई लोग अभी बात कर लेते हैं यार अपना लोडिंग स्क्रीन देखने को कैसा मिलेगा, यानी गेम अपडेट कर लोगे वो कैसा देखने को मिलेगा। उसी के साथ गाइस मैं तुमको बता दूं भाई अपनी ईवो MP40 आएगी गेम में एंड गाइस कंफर्म हो चुका है। तो भाई लोग सबसे पहले देखो तो यार ये भाई अपना लोडिंग स्क्रीन गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, मतलब जैसे ही गेम अपडेट कर लोगे लॉबी में जाते हो उसके बाद गेम ओपन करते हो तो यहाँ पे तुमको जो स्टार्टिंग की लोडिंग स्क्रीन देखने को मिलती है कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। एंड गाइस यार यहाँ पे तुमको ईवो MP40 दिख रही है क्या, वीडियो को पॉज करके यार कमेंट करके बताओ कहीं तुमको यहाँ पे ईवो MP40 दिख रही है। एंड गाइस अगर नहीं दिख रही तो मैं तुमको भाई अभी ईवो MP40 अपने दिखाता हूं, यानी कि भाई जो अपने MP40 का इवोल्यूशन वाला गन स्किन है वो आने वाला है। तो भाई लोग ध्यान से देखो यार इस स्किन को भाई। तो भाई ये जो बंडल है यार ये जो अपना यहां पे गन लिया गाइस ये यार अपनी ईवो MP40। हां भाई लोग यार ईवो MP40 गेम के अंदर आने वाली है, कंफर्म है भाई लोग। अब जैसे यार इसका कोई भी अपडेट आएगा ठीक है और रिलेटेड कुछ भी वो मैं तुमको बता दूंगा, बट यार अभी काफी ज्यादा लीक आ रही है, मतलब इस पोस्टर के थ्रू काफी बंदे बोल रहे हैं कि ये ईवो MP40 है एंड यार काफी मतलब इंस्टाग्राम पे बड़े-बड़े जो पेजेस हैं वो सब भी ये बात बोल रहे हैं। तो मेरे ऐसा लग रहा है कि यही ईवो MP40 होने वाली है एंड इसकी कंफर्म डिटेल्स मैं तुमको आगे आने वाले 2-3 दिन बाद वीडियो में अपने दे दूंगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, काफी कुछ इधर तुमको पता चलने वाला है। तो गाइस बात करें एक और अपडेट की, तो भाई लोग तुम में से मैक्सिमम बंदे ऐसे होंगे यार जो अपने किसी एक ही फ्रेंड के साथ सबसे ज्यादा खेलते होंगे, मतलब यार उसी के साथ क्लैश स्क्वाड भी खेलते होंगे, उसी के साथ रैंक भी खेलते होंगे, दिन भर खेलते रहते होंगे, ठीक है काफी मैक्सिमम बंदे ऐसे होंगे। तो भाई लोग यार तुम लोग बहुत अच्छा सिस्टम आने वाला है, मतलब यार जिसके साथ तुम ज्यादातर गेम खेलते हो यार दिन में ज्यादातर जिसके साथ ऑनलाइन रहते हो उसको यार यहाँ पे तुम उसके साथ यहाँ पे तो कुछ लिखा है फ्रेंडशिप इनहेंस करके। एंड गाइस यार यहाँ पे ऐसा सिस्टम देखने को मिल जाएगा कि यार जिसके साथ तुम ज्यादातर गेम खेलते हो उसको तुम बडीज करके यहाँ पे कुछ आने वाला है गाइस, ठीक है अभी वो गेम के अंदर आएगा तब पता चलेगा। गाइस अगर तुम ये दोनों कर लेते हो, मतलब वो वाला फ्रेंड तुम्हारा जो वो भी तुम ये एक्सेप्ट कर लेता है एंड तुम भी, तो गाइस यार जितना तुम लोग यहाँ पे गेम खेलोगे वो सब कहीं काउंट होगा एंड भाई लोग यार अलग से स्क्रीन पे तुमको शो करेगा, मतलब यार कोई भी तुम्हारा आके यहाँ पे प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई ये क्या दोनों बंदे खेलते हैं, ठीक है। तो गाइस यार ये गेम के अंदर आएगा
है तभी समझ में आएगा, मेरे को अभी ज्यादा इसका डिटेल्स नहीं समझ में आया। एंड गाइस यार ये फ्री फायर ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे कल अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो बस यार इसमें देखो कुछ रिवील भी नहीं है, सिर्फ इतना लिखा फ्रेंडशिप इनहेंस्ड। एंड गाइस जितना इससे समझ सकता था मैं उतना समझ गया, तुमको समझा दिया, ठीक है भाई। अभी जैसे अपडेट आएगा उसके बाद तो पता चली जाएगा। एंड हो भी सकता है कि ये चीज तुमको गेम के अंदर एक दो दिन में देखने को मिले, अपडेट के बाद तुरंत देखने को ना मिले, बट यार कन्फर्मली देखने को मिलेगा, ठीक है। कन्फर्म ये तुमको देखने को मिलेगा आज शाम को, नहीं तो फिर कल या परसों देखने को ये वाला अपडेट मिल जाएगा। तो भाई लोग बस यार अभी काफ़ी ज़्यादा अपडेट आने वाली है, बट यार देख रहे हो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब 10 मिनट से भी ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है। भाई लोग बात कर लेते हैं यार यहाँ पे, जैसे पता होगा अपना सीरो कैरेक्टर आने वाला है एंड यार अपना आने वाला स्काइलर कैरेक्टर, तो गाइस उन सब का यार जो वीडियो होता है मैं डेली अपने टुनाइट अपडेट वाली वीडियो में कवर कर देता हूँ, तो काफ़ी कुछ यार मैं पहले ही बता चुका हूँ तुमको, तो और बाकी सब अपडेट पता ही होगी। तो भाई लोग यार बस इस वीडियो में इतना ही करते, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यार फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे थे एंड यार अगर अभी तक देख रहे हो और भाई सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो तुम। तो सिंपली यार तुमको सब्सक्राइब करना है, बस यार रेड वाले जो सब्सक्राइब करके आ रहा है उसको सब्सक्राइब पे क्लिक करो, जो भी करना है उस पर करो भाई लोग, लेकिन सब्सक्राइब करो और यार बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो। एंड गाइस अगर इस अपडेट से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब गेम शाम को ओपन नहीं होगा तो क्या कुछ जो भी होगा उसकी वीडियो बना देंगे, व्यूज आएंगे तो क्यों नहीं वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस यार सिंपली इस वीडियो पे अपना सपोर्ट भी दिखा देना, भाई जो भी गेम में यार न्यू फ्री फायर पहली बार डाउनलोड किया है उसको ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। तो यार जरूर से अपना सपोर्ट दिखा देना, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को जरूर से लास्ट में शेयर एक कर देना। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार।